सिंगाड़ी का सीजन है और हमने दिया है सिंगाड़ी को एक नया ट्विस्ट, बनाया है जीरा सिंगाड़ा। सिंगाड़ा हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और लो कैलोरी होती है, वेट भी नहीं बढ़ता। तो जब तक मार्केट में सिंगाड़ा आए हमें इसको ज़रूर खाना चाहिए ऑलमोस्ट डेली। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी और बहुत टेस्टी भी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सिंगाड़े को चाकू से छील लिया, क्योंकि ये फटाफट छिल जाता है चाकू से, इसलिए हाथ से नहीं चाकू से छीला है, और इसके दो दो पीसेस कट लिए। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। इसके लिए मैंने करीब 2 चम्मच घी को गर्म किया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरा जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और करी पत्ता। ये कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होता, जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ता, बहुत टेस्टी लगता है ये सिंगाड़े में। करीब 1 हरी मिर्च लिया है मैंने, क्योंकि आगे इसमें मैंने लाल मिर्च और काली मिर्च भी डाली है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, 7 से 8 फ्रेश करी पत्ता लीव्स, और इसके बाद हम धुले हुए सिंगाड़े इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच, करीब 1/2 किलो सिंगाड़े में 1/2 चम्मच नमक। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर नहीं है आपके पास तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हेल्दी, और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा ये टेस्टी। तो इसके बाद अब इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा क्रंची रखना है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम इसको खोल के देखा, थोड़ा सा ठंडा करके इसमें अब हम डाल देंगे करीब 1 नींबू का रस, और बस ये तैयार है। और इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया फ्रेशनेस के लिए। तो टेस्टी सा सिंगाड़ा तैयार हो जाता है, आप इसको ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आई एम वेरी श्योर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।